अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शेज़। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे नए स्टाइल से। जैसे मूली के पराठे आमतौर पर बनाते हैं कि मूली को कद्दूकस किया और उसका पानी निकाल के, तो हम लोग मूली को इधर से भून के तो फिर बनाएंगे, और इसका टेस्ट उससे ज़्यादा होगा। और इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया और कुटी मिर्च डाली है हमने, और हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये सिंपल सादी कढ़ाई लेके उसमें मूलियों को डालें और इसको 4 से 5 मिनट आप भून लें अच्छे से, और 1 मिनट के लिए ढाँप के रखें ताकि ये अपना पानी छोड़ दे। और ये जो मूलियाँ हैं ये पानी कम छोड़ती है, क्योंकि ये देसी मूलियाँ हैं तो जो स्टार्ट में शुरू होती हैं, और अब जो मूली है उसमें पानी भी ज़्यादा होता है और उसका कलर भी वाइट होता है। अब आप इसको मुसलसल हिलाते जाएँ और इसको भून लें। इसमें थोड़ा सा पानी खुश्क हो गया, थोड़ा सा भी है, और बाकी मसाले हम इसमें डाल देंगे। और सॉरी, मेरा इस मौसम में अक्सर गला ख़राब रहता है, इसलिए हो सकता है वॉइस में थोड़ी सी आपको चेंजिंग लगे, तो मौसम की वजह से मेरा थोड़ा गला ख़राब है, और जो कि इस मौसम में अक्सर रहता है। और जो मैंने मसाले खुश्क और दूसरे जो हैं हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल दी है, और ये आप 2 से 3 4 दिन भी आप ये वाला कवाम फ्रिज में रखें तो ये ख़राब नहीं होगा और इसमें स्मेल भी नहीं होगी। और जी अब पराठे बना के आपको दिखाऊंगी कि कितने इजीली ये पराठे बने हैं और कितने अच्छे हैं। और बिल्कुल ये रोटी जैसे, अक्सर मूली के पराठे जो अक्सर फट जाते हैं उसके वो पानी की वजह से, ये बिल्कुल खुश्क है। और इसको ठंडा करके आपने रोटी इसकी बनानी है, ये नहीं कि आप इसको भून के उतारें और उसी टाइम रोटी बनाएं, वो सही नहीं बनेगी। और ये मैंने रोटी एक बेल ली है, उसके बीच कवाम को रखे है और साइडों पे सारा इसको मिक्स करके पोटली से बना ली है, और ये एक हमारा पेड़ा तैयार हो गया, और ये दूसरा, ये दो छोटे छोटे पेड़े लेने हैं, उसके दरमियान में कवाम को रख के दोनों पेड़े ऊपर से जोड़ देंगे और हमारे पराठे बन जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको छोटे छोटे क्लिप दिखाऊंगी, जो कि मैंने वही दिखाने थे, लेकिन मैंने सोचा चले साथ, वो क्लिप बहुत छोटे हो जाने थे तो मैंने सोचा आपके साथ ये मूली के पराठे भी शेयर करूं। तो उसके बाद अनाया फातिमा और मसूमा और अलमदार से आपकी छोटे छोटे में क्लिप दिखाऊंगी, वो जो इधर आए हुए थे, और अनाया वो सॉन्ग बोल रही थी, और जब ने मसूमा जाना था छोटा सा उसका क्लिप है, और छोटी सी अलमदार की शरारत वो आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको देख के पसंद आएगी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी और मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन में भी क्लिक करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगे। और ये देखिए जी, हमारी रोटी एक पहले वाली मैंने तवे पर डाल दी है, और इसको पहले दोनों साइडों से खुश्क पकाना है आपने। ज़्यादा ऑयल लगाने से पराठा, वो जो मूली है वो ऑयल ज़्यादा चूस लेगी, और आपके पराठे का टेस्ट जो है वो मज़ा नहीं आएगा, मुँह में ज़्यादा ऑयल आएगा। तो मैक्सिमम 2 से 3 या 4 टेबल स्पून जो है ना, बस वो आप ऑयल लगाए। और ये जी हमारे पराठे रेडी हो गए हैं, तो अब इसको हम नाश्ते में खाएंगे, और आप भी खाएं, बनाएं, एंजॉय करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन पे क्लिक करें, और जो मेरे नए आने वाले सब्सक्राइबर हैं उनको भी वेलकम, और प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करवाएं आप। तो ये देखिए जी, हमारे दोनों पराठे हो गए हैं रेडी, और आपने ये बना के मुझे बताना है कि जो वो वाले पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं जो पानी या मूली का निकाल देते हैं, तो ये जो आप भून के बनाते हैं जी, और ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको वो छोटे छोटे 3 क्लिप दिखाऊंगी, और इस वीडियो ये मूली के पराठे बनाने के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूंगी, क्योंकि उसके बाद मैं छोटे छोटे आपको क्लिप दिखाऊंगी, वो देखिए आप इंजॉय करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको हमारे छोटे छोटे से जो गेस्ट आए थे वो आपको कैसे लगे। तो हमारे इस माह बहुत ज़्यादा माशा से रौनक रही है, घर में बहुत गेस्ट आए हुए थे, और इस माह हमने काफ़ी इंजॉय किया, ख़ास तौर पे ये जो हैदराबाद वाले गेस्ट आए थे इनके साथ। और जेले जी, हमारे पराठे रेडी हैं, आप भी खाएं, एंजॉय करें, खुश रहें, आबाद रहें।
अल्लाह ताला हम आपका हमारा दस्तरखान वसी रखे। तो अब आप क्लिप देखिए, अल्लाह हाफिज़। नहीं खांदा वो अंदर गया है, लगा के ना प्लेट टीवी वे तो उन्हें कोई पता नहीं। मैं उसे उन्हें बेने पे I like to stay here and I'm here in my cousin's home. This is my cousin's YouTube channel and I'm Pink Princesses. You know I'm Masuma, so I want to tell you I'm in Sialkot and I always feel very glad and happy in Sialkot. But today is my last day and tomorrow I have to go. I'm feeling so sad and I'll miss everybody. So I want to tell you this. So bye.